मुझे सुबह आईजी बोल रही हैं लखनऊ की कि आपको सच में जाना है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि इनको तो मार के, मतलब पीट के इनको मारा है, तो आप सोच लीजिए आपको वहाँ जाना है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे जो दो बीजेपी के कार्यकर्ता शायद वो भी मरे हैं, मैंने पूछा कि उनके परिवारों से चेक कर लीजिए, अगर मुझे मिलना चाहें तो मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि नहीं नहीं मिलना चाहते हैं आपसे, तो मैंने कहा ठीक है, उनको हम मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर दीजिए। जाना चाहती थी बीजेपी, मैंने कहा, मैंने बोला आईजी साहब को बोला, और मैंने कहा ठीक है फिर अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, उनकी उनको भी मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर दीजिए। जांच तमाम बैठाई गई है या सीबीआई ने कई मामलों की, मैम कुछ निकल के आता नहीं, क्या कहेंगी फिर इस जांच का क्या मतलब है जो तमाम? देखिए अभी हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता भी ये भी एक उसी में लंबे से लंबे मेरे नजरिए में और परिवारों के नजरिए में भी रिटायर्ड जज नहीं, एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के इनके अंडर जाँच होनी चाहिए, सबसे पहली बात ये। दूसरा, मैं जांच पे टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि जांच शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के तो अंडर आता है ये सब। ये तो अगर अगर वो जैसे वो कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वो वहाँ था ही नहीं, ठीक है, तो एक नैतिक आधार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।